हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्ट इंडिया। मैं हूँ ईशा। आज हम बनाएंगे आलू के पार्सल, जो बहुत ही चटपटे और क्रिस्पी बनेंगे। तो आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और शाम की टी टाइप स्नैक में भी बना सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत सिंपल है और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आलू के पार्सल बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू ब्रेड का नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 बॉयल्ड आलू लिए हैं, जिसको हमने बॉयल करने के बाद अच्छे से मैश कर लिया है। 2 ब्रेड ली है, ये फ्रेश ब्रेड है जिसको हमने मिक्सी के पॉट में पीस के इसके फ्रेश ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए हैं। 1 क्यूब चीज़ है जिसको हमने ग्रेट कर लिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया है। 1/2 टीस्पून ऑर्गेनो है, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है। सॉल्ट एज पर टेस्ट लेंगे। थोड़ा सा प्याज लिया है और 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ली हैं जिसको हमने चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया है और 1/2 टीस्पून हम चाट मसाला पाउडर लेंगे। नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बॉल ले लिया है। अब हम इसमें बॉइल्ड आलू ऐड करेंगे, ब्रेड ऐड करेंगे, ब्रेड क्रम्स जो हमने तैयार कर लिए थे, प्याज ऐड करेंगे, चीज ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे नाश्ते में। लहसुन ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, ऑरिगेनो ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, ये एज पर टेस्ट रहेगा। चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे और कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा क्रिस्पी बनेगा और ये बाइंडिंग का भी काम करेगा कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। ये हमारा डो तैयार हो चुका है। तो अब हम एक प्लास्टिक पन्नी लेंगे जिसमें हम कपड़े पैक करते हैं और इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। हम थोड़ा सा ही ऑयल ऐड करेंगे और इसके ऊपर अब हम डो रखेंगे और बेलन से इसे अब हम प्रेस कर लेंगे। आप चाहे तो इसे बेलन से भी कर सकते हैं, हाथों से भी इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। इसे हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे और इसकी थिकनेस हम थोड़ी मोटी ही रखेंगे, ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे अपने नाश्ता बनाने के लिए। ये डो हमारा बेल चुका है। अब हम एक चाकू लेंगे और चाकू को हमने तेल से ग्रीस कर लिया है और इसे कट कर लेंगे। आज हम इसे बर्फी शेप देंगे। आपको जो पसंद हो शेप, आप वो शेप में इसे कट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये कट हो जाता है। शाम के नाश्ते के लिए बहुत बढ़िया नाश्ता है और झटपट बन जाता है और बहुत ही आसानी से आप इसे अपने घर में बना सकते हैं। बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगा और ये घर में रखी चीज़ों से बहुत ही आप आसानी से बना सकते हैं। इस नाश्ते को हमने बर्फी शेप में कट कर लिया है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। नाश्ते को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे ऑयल को अच्छा गरम कर लिया है। अब हम इसमें स्नैक ऐड करेंगे और एक बार में जितने स्नैक फ्राई हो जाए उतने ही ऐड करेंगे और इसे हम मीडियम हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे और इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये एक साइड से अच्छे फ्राई हो चुके हैं तो इसे हम दूसरी साइड से टर्न कर लेते हैं ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे फ्राई हो जाएं और अच्छे क्रिस्पी हो जाएं। 3 से 4 मिनट में ये अच्छे फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता इन्हें फ्राई होने में। ये हमारे ब्रेड आलू के नाश्ते बहुत अच्छे फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया बने हैं ये। ये शाम की चाय के लिए बहुत बढ़िया नाश्ता है। वैसे आप किटी पार्टी के स्नैक में भी सर्व कर सकते हैं।
ये हमारे ब्रेड आलू पार्सल बन के रेडी हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी और चटपटे बनते हैं। तो शाम के नाश्ते में आप भी इसे एक बार जरूर बना के ट्राई करें। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।